नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट मीडिया। रोहतास जिले के संझौली प्रखंड में आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर बहुत से लोगों का नामांकन हुआ। बताया जाता है कि वर्तमान सरकार के रवैये से दुखी होकर आम आदमी पार्टी काराकाट विधानसभा क्षेत्र से अपना पैर पसारने में लगी है। इसी को लेकर निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार काराकाट विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड में जाकर सदस्यता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर असरार अहमद, रोहतास कैमूर प्रभारी सत्येंद्र कुमार सत्या, काराकाट विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरबद, जिला उपाध्यक्ष राम दुलाई राम उपस्थित रहे। आइए इस सदस्यता अभियान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा वो सुनते हैं। सुविधा जो मुहैया कराया है माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो बिहार को भी लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग सत्य के लिए नहीं ये चला रहे हैं कि हम लोगों को सत्ता चाहिए या हम लोगों को गद्दी चाहिए। हम लोगों को व्यवस्था की परिवर्तन चाहिए कि जो वादा ये लोग करके जाते हैं और जब सत्ता में कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो सारे वादा अपने भूल जाते हैं, अपने सुख स्वार्थ में लग जाते हैं। मेरे दोस्तों, इसी चीज को हम लोगों ने आप लोगों को बताने आए हैं कि विधायक बनाया, एमपी बनाया, लेकिन इस एमपी और विधायक के पास में जब भी कोई समस्या लेके जाते हैं तो वो यही कहता है कि हमको वोट का दिए हैं आप। तब तक से नाटक की वो कुछ चलते रहेगी। इस नाटक को बंद कराने के लिए आम आदमी पार्टी ने बिहार में अपने रथ यात्रा निकालकर और सभी अपने बिहार के वासियों को हम लोग समझाने का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब डरने की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरे बिहार के जनता के पूरी ताकत के साथ में है। न किसी विधायक और एमपी हम लोग नहीं चलने देंगे। मेरे दोस्तों, वोट आप लोग दे देते हैं लेकिन विधायक जो भी है लूट खसोस में पड़े हुए हैं। नीतीश सरकार में जितनी जैसे जी भ्रष्टाचारिता हुआ किसी के राज्य में नहीं हुआ। सभी लोग लूट खसोस में लगे हुए हैं। एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, इसके साथ जुड़े और अपने बच्चे को भविष्य के लिए आगे बढ़े। जहाँ मुफ्त में फ्री में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, आकर अपना नाम नंबर नोट करवाए बिना शुल्क के और पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड शहर, बिजली पानी वगैरह सब कुछ फ्री कर दिया है सरकार ने। 20,000 लीटर गरीबों के लिए पानी फ्री है, बिजली यूनिट भी फ्री किया गया है, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा सबको जाकर देखे तो सबसे अभी भारत में केजरीवाल ही एक ऐसे है जो मोदी के विकल्प के रूप में है। मजबूती से जुड़े और बिहार में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाम कुंदनम है। संझौली प्रखंड में आप लोगों का आने का रीजन क्या है आम आदमी पार्टी को, ये जो रथ आया उसके विषय में? हम लोग का ये रथ यात्रा जो है वो निकला है एक महीने के लिए। सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं, उसका मुद्दा है राष्ट्र निर्माण अभियान, और राष्ट्र निर्माण अभियान के तहत हम लोग सदस्य बना रहे हैं। मिसकॉल का नंबर भी जारी किया गया है राष्ट्रीय स्तर से, जिसका नंबर है 9871010101। इसके अलावा वेबसाइट से भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं, उसका पता है joinup.in। इसके अलावा हम लोग रजिस्टर पे रसीद से भी हम लोग सदस्य बना रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से बदलाव किया गया है, सड़क सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल, सरकारी सेवा, ये सारी सुविधाएं जो है बदली गई हैं और सारे सुविधाओं को जनता के तहत लाया गया है, जनता के बजट में लाया गया है। बिजली 200 यूनिट फ्री की गई है, पानी निःशुल्क दिया जा रहा है 20,000 लीटर तक। तो ये सारी सुविधाएं गरीबों को दी गई है, आम लोगों को दी गई है, मध्यम वर्गीय परिवारों को दी गई है। महिलाओं के उत्थान के लिए भी हम लोगों ने काम किया है, उन्हें निःशुल्क जो है बस यात्रा मुहैया की गई है ताकि वो नौकरी करने जाए या कहीं भी काम करने जाए तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। हर जनता को 8,000 से लेकर 10,000 तक प्रति महीने बचत हो रही है और उससे बाजार भी बढ़ रहा है। एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था नीति लागू की गई है जिससे जनता के पॉकेट में पैसे बच रहे हैं और उससे बाजार को खर्च हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था भी वहां की
बहुत ही सुधर रही है और टैक्स भी हमको भरपूर मिल रहा है और इतना सब मुफ्त में देने के बावजूद भी हम लोगों ने बजट जो है दुगना कर दिया है और लाभ का बजट देने वाली अगर पूरे भारत में कोई सरकार है तो केजरीवाल सरकार है, दिल्ली सरकार है। ये रथ सर कहाँ से कूच करेगी और कहाँ तक जाएगी? आज की यात्रा हम लोग की संझौली प्रखंड में यहाँ चल रही है, इसके अलावा विक्रमगंज और गोलारी में भी चलेगा, यानी काराकाट विधानसभा में हम लोगों का ये रथ यात्रा आज चलेगी और सब जगह सदस्य बनाया जा रहा है और मिस्ड कॉल से बाकी लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी अपने गांव अपने देहात में जाकर भी मिस्ड कॉल से बनाएंगे और वो लोग भी हमारा सहयोग करेंगे लोग जोड़ने के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे नहीं है, हमें अदानी अंबानी से पैसे नहीं मिलते, हम सभी कार्यकर्ता आपस में चंदा करके इस गाड़ी में तेल भरवा के चल रहे हैं, गाड़ी हम लोग के कार्यकर्ताओं की है, भाड़े की भी गाड़ी नहीं है।